हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। राजा महाराजा का सियासी संघर्ष और शोकग्रस्त भाजपा में उत्साह और हर्ष, ये तो होना ही था। शायद कुछ विलंब से होगा, जल्दी हो गया। कुल मिलाकर सत्ता की सियासत में सत्ता से चिपके रहना ही ऐसा परिणाम देती है। अब कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता जो वर्षों जिन्हें बहुत युवावस्था से नेतृत्व करने का अवसर मिला, मंत्री बने, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के महासचिव बने, इतना क्या सत्ता मोह कि इसके बाद ये क्यों लगता है कि हम जीवन के अंतिम क्षण तक पद पर ही बने रहे। अरे भाई, पद क्यों, इतने पद मिले, अपना कद ऐसा बनाओ जो आपके किसी पद का मोहताज ना रहे। लेकिन कद को खो दिया, पद को पा लिया, और उस पद की लालच में निश्चित रूप से एक युवा नेतृत्व, और ये प्रमाणित हो गया कि जिस व्यक्ति के साथ एक आवाज में 22 विधायक एक स्थान पर डटे रहे, मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रदेश में कोई भी एक नेता हो ऐसा जिसकी एक आवाज पर 22 विधायक हफ्तों तक जैसा चाहे अनुशासित ढंग से एक स्थान पर जुटे रहे। जब उसको उपेक्षित किया जाएगा, चुनाव उस व्यक्तित्व के नाम पर लड़ा जा रहा है, युवाओं को उसके नाम पर एकजुट किया जा रहा है, और सत्ता प्राप्त होती उसको उपेक्षित किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इसको सत्ता की लालसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि एक केंद्र बिंदु में रख के जिसको केंद्र बिंदु में जिन नेताओं जी के कारण ये गई है वो नहीं थे केंद्र बिंदु में, यही थे माफ करो महाराज, महाराज यानी कौन, तो उस महाराज की भी मजबूरी है। तो कहने का महाराज को लगता है कि उपेक्षा हो रही है, राजा को लग रहा है कि मुझे जाना आवश्यक है राज्यसभा। एक राज्यसभा जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदी है कि राजा महाराजा का सियासी संघर्ष और शोकग्रस्त भाजपा में आया उत्साह और हर्ष, यही मुख्य भूमिका है। और बाकी दूसरा विषय है पुत्र मोह, उसके विषय में पूर्व में भी कहा गया है और अभी भी कहेंगे। धन्यवाद। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।